दोस्तों इस बार मैंने और अली ने रिक्शा में बड़ी सैर की है। अली कैसा लगा रिक्शा? बहुत अच्छा मजा आया। कराची कैसा लगा? बेहतरीन। दोस्तों ये देखें, ये हम रिक्शा में घूम रहे हैं और कराची की सैर हो रही थी। कराची आया, बहुत अच्छा लगा और मैं अब एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और यहाँ से हम पैदल जाएंगे एयरपोर्ट तक और वहाँ से फिर लाहौर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, कारे मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार इफ्ती प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ रोशनियों के शहर कराची में और मैं लाहौर के लिए निकलने लगा हूँ। कराची वालों ने जो मोहब्बत की और जो प्यार दुलार मिला उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा अली भी है। दोस्तों रिक्शा पर हम पहुँचे हैं कराची के एयरपोर्ट पर। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि पहले हमने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की कब्र पर जाना था और फिर उसके बाद मोइन अख्तर साहब की कब्र पे गए। वो वीडियोस आप देखेंगे। ये देखें अली साहब रिक्शे से उतर के तलाशी दे के एयरपोर्ट में दाखिल हो चुके हैं और हंस रहे हैं। अली साहब मुस्करा रहे हैं जी, शर्मा रहे हैं। और मैंने और अली ने 3 दिन बहुत इंजॉय किया। जो वीडियोस बनाए हैं जिन जिन कब्रों पे गया हूँ मैं, आर्टिस्टों की, फनकारों की, अदीबों की, वो आप ज़रूर देखेंगे। और वो सामने एयरपोर्ट नज़र आ रहा है जी, पीछे वो एयरपोर्ट है और हम वहाँ तक पैदल जाएंगे। और बहुत मज़ा आया जी, इस बार मैं कराची रक्षा में घूमा, बहुत ज़्यादा रक्षा इस्तेमाल किया और यकीन कीजिए कि एक अच्छी गाड़ी में बैठ के जो कराची के मनाजे नज़र आते हैं रक्षा में से भी वैसे ही मनाजे नज़र आते हैं। बल्कि रिक्शा के अंदर अच्छी बात यह है कि समंदर की ठंडी हवाएँ भी बड़ी अच्छी और महसूस करती हैं जिस्म को। हम जा रहे हैं लाहौर, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और खुशखबरी ये है कि मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल गया है। और अमेरिका का वीज़ा मुझे मिला कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा और वो तमाम फनकारों की कब्रें भी दिखाऊंगा जहां जहां मैं गया इन 3 दिनों में। और तमाम का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर इमरान रजा भाई का बड़ा शुक्रिया जी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का भी इजहार किया, मज़े के खाने भी खिलाए। तो मैं और अली, ये देखें अली साहब आगे आगे, 2 बजे की फ़्लाइट है लाहौर एयरपोर्ट पे, उतरेंगे हम कोई तकरीबन 4 बजे और इंशाल्लाह ताला लाहौर पहुंच के आपसे बात होती है। कराची एक बहुत खूबसूरत शहर है, कराची के लोग बड़े प्यारे हैं और इस बार कराची के अंदर मेरे साथ बड़े कमाल के वाक़यात हुए, वो मैं किसी वॉक के दौरान बताऊँगा। और कराची में बहुत मोहब्बतें मिली जो मैंने समेटी हैं और मैं अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त कराची एयरपोर्ट से इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।